वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग गुड। आरकेजी वाइन 2.0 में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले लो चला था राजकुंद्रा भारत का। सर यहाँ गवर्नमेंट ने पॉल बैन करके रखा और ये राजकुंद्रा इज लाइक हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। पुलिस घसीट के लेके जा रही है और ये बंदा स्वैग में भुक्त। राजकुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। अतः मैंने क्या बोला, चरस गंगा मेरे को प्यारा। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इसको आगे जाके आईफोन देने वाली है। बीबी को तो मिला नहीं लेकिन मैं जरूर लूंगा आईफोन। बड़ा हरामी हो। पति वहाँ योग सिखाते हैं तो ये संभोग। रामदेव ले जाएगा ऐसा करोगे तो। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग। असल मैं यहाँ सोच रही हूँ कि राजकुंद्रा कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैन है। आप पता चल रहा है इनका कितना फैला हुआ बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस चल रहा है यहाँ। जब कंसर्न अथॉरिटीज को खुद पता चल गया तब रोज नई नई औरतें आ रही है बताने, हाँ मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे किया। एट दिस मोमेंट माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा शेट्टी एंड हर किड्स। I can't imagine what she must be going through. एक और सावित्री बोली। बहन जिसके पहले के सो रहे थे हाइबरनेशन में, तो तुम लोग ऐसा कुछ होने के बाद जब बाद में लोग इकट्ठा होकर बोलने लगते ना, हाँ ऐसा हुआ था, तब मेरे को लगने लगता है सब कुछ प्लान्ड है, हम ही लोग चूतिया बैठे यहाँ पे। और सही कहा है किसी ने कि इंडिया में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। पर इसे कितना भी कुकुर कमीना नीच इंसान बोले लेकिन एक चीज पर इसने अच्छा किया, इसने नेपोटिज्म को प्रमोट नहीं किया। कम से कम अपनी बीवी को यूज देखे साले ने उन मूवीज में। लेकिन हमें कैसे पता भाई बीवी को यूज किया या नहीं किया मूवीज, हम कैसे बोल ले। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। लिंक्स का है मूवीज किसके लिए बनाते थे, एलियंस के लिए बनाते थे। लिंक्स का है किसी ने पहले देखा क्यों नहीं, किसी को कैसे पता नहीं चल सकता है। चलो स्वैग में तो ऐसे ही है जैसे लग रहा है अंदर अंदर बोली रहा अभी आ रहा हूँ पुलिस लोगों को फाइव स्टार में खाना खिला के फिर लिंक बांटता हूँ। ब्रो वन डे इफ आई डाई डोंट क्राई जस्ट लुक एट द स्काई एंड से लिंक तो दे दे भाई। ऐसे स्वैग से गया और ये दीपक का लाल का तो अलग ही चल रहा है। नाम क्या भेजो, शिल्पा शेट्टी का कतई तट्टी। काम करो लाइफ में, इसको तो अलग से दुख हुआ, बस इसे क्यों नहीं यूज किया मूवीज में। अच्छा काम करो, बोल कौन रहा है। चलो भारत देश में ढोंगी चूतिया बनने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। अच्छा ओके, इससे याद आया थारा भाई जोगिंदर। तो थारी बहन सलोनी आज थारा भाई जोगिंदर के वीडियोस देखेगी। पिछले वीडियो में हमने उनके बारे में थोड़ा सा बात किया था तो तुम लोगों ने बोला था ना 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 ऐसे नहीं चलेगा, पूरा वीडियो मांगता अपने को। तेरा मेरी आंख देख ले, रात ना डर जाएगा सपने में। आंखें देख ले मेरी, सर हमरीश पूरी लगता है ऐसे मुंह बनाते हैं, सच बता रही हूँ। आंखें देख ले मेरी, उसके अगले दिन इनकी आंखें दर्द से कुछ ऐसी हो गई थी खत्म। बनाओ या नहीं बनाओ, ये सच में परेशान हो रहे हैं। एक तरीका है यूट्यूबर्स को ललकारने का, ये रोस्ट मत मारियों के पीछे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है। रोस्ट का साले, रोस्ट कर सबके साथ रोस्ट करो, ऐसा तो नहीं चल रहा है। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ चल रहा है क्योंकि इनके इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हजारों वीडियोस ऐसे शेयर कर रहे हैं जहाँ पे लोग इनकी स्टाइल कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं और वही सेम चीज बिना रोस्ट के अगर कोई यूट्यूबर कर रहा है तो बोल रहे हैं रोस्ट मत मार दियो, जिससे कि वो इनके ऊपर कम से कम दो तीन वीडियो तो बनाए भाई। मैं यहाँ बेकार गया खड़ी थी, चला इसे देखने के बाद मेरे को फील हुआ सर होनी बेटा यू नीड टू ग्रो अप। जो तेरे लिए कल वीडियो बनाई थी ना उसमें जाके कमेंट पढ़ लेना, आज तक तेरी वीडियो पे इतने कमेंट नहीं आयोगे। कमेंट्स में इतने गंदे कमेंट्स नहीं आएंगे, सालों सच को गाली मत दिया करो, सीरियसली क्यों ले रहे होता। अगर सब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं मजे के लिए कर रहे हैं तो गाली तो मत दिया करो, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करके आया इनके कमेंट सेक्शन में, ये गंदी बात है। अच्छा नहीं लगता, बवंडर ला दूंगा बवंडर। तो ला ना, हर वीडियो में बस बोल ही रहे। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हिला दूंगा। अरे दादा छी, ये सब अपनी फैंटेसीज यहाँ मत बताया करो भैया। क्या तुम भाई आज खेत में आ गया अंगूर खाने, जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर इतने अंगूर खाएगा तोड़ तोड़ के, इतने अंगूर खाएगा तोड़ तोड़ के, खाट लेगा खेत में ही सो जाऊंगा, मम्मी ना सोची नहीं होगी। अंगूर खा के सो जाओगे, दीपक कलाल भी है क्या वहाँ पे? हम दोनों एक दूसरे को स्मूच करेंगे। भाई घर वालों ने मारे मेरे घुसंडी घुसंड, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, थरा भाई जोगिंदर आ गया खेत में, जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर इस खेत में इतना सोऊंगा टांग फैला के कूलर लगा के, घर वालों ने सोची नहीं होगी। ना 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 टांग फैला के ना सोना वाला, घर वालों ने तो मारा ही, वो खेत का मालिक भी मार लेगा। घुसन घुसन और खेत में बिजली दीपक कलाल की बुंड से लाओगे भैया है।
ये तो इसने सोची ना होगी। तुम ये छोटे छोटे बच्चे को दिखाते हो वीडियो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गाली बकते हो। वो बच्चे को तुम क्या संदेश दे रहे हो यूट्यूब के अंदर? क्या संदेश दे रहे हो तुम आजकल के बच्चों को? मैं इनको गाली नहीं दे रही क्योंकि इन्होंने किसी को गाली नहीं दिया है, लेकिन जिन्होंने इनको गाली दिया वो लोग सुनो। क्या संदेश दे रहे हो तुम आजकल के बच्चों को? सिर्फ जोगिंदर भैया एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कर सकते। ओ थारा भाई जोगिंदर, नेट थोड़ा स्लो हो गया है, फिर से वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तब तक बात करते हैं। बेस्ट रोस्टर कैरिमिनाटी एंड दिस गर्ल सलोनिया फा। तो कैसी लगी वीडियो? अभी तो वीडियो बाकी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मचा के रखो, लेकिन हाँ मिलना जरूर अगले वीडियो में, मिलेंगे ना? तो ठीक है, गुड बाय। वीडियो कैसी थी ये बताना जरूर। तुम लोग सोच रहे हो यार वीडियो